अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लश्पश होंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं गंदम का सारा सामान पड़ा हुआ है और ये जो मौसम है, मतलब क्या गंदम ही पड़ी है ना, इसके जो क्या बोलते हैं बांधा हुआ है, हाँ गठियाँ बांधी हुई है और मौसम अभी है मई का, तो मई में गंदम कट जाती है और काफी सारे लोगों ने काट लिया। लेकिन हमारे जो पप्पू भाई हैं स्पेशली, ये कहाँ है, ये किधर है, ये जो दिख रहे हैं आपको, अबे उंगली कहाँ जा रही है, ये बोले वो तो ये इनकी गंदम बाकी से इन्होंने बुलाया है, तो हमने कहा अभी फ्री है, थोड़ा सा टाइम है तो हम जरा कटवाते हैं। पहली बार करने वाले, पहले एक्सपीरियंस है। वकास ने तो कई बार किया है और वकास की जरा हटती है, कटा बड़ा होता है ना यार, मट्टी बहुत ज्यादा होती है, तो ये सारी कांड कटा सारी, हाँ ये जितनी भी है, ये करना क्या मेरे को, आधे घंटे का काम है जब मशीन चले, आपको पता है ट्रैक्टर ये चंद मिनटों में जो है ना मिनटों में काम खत्म हो। ये पीछे ट्रैक्टर का ये पड़ा है, क्या बोलते हैं इसको, ये जो जिससे काटेंगे, क्या ये मशीन का नाम क्या है, थ्रेशर। और ये सारा ट्रॉली है, इसमें रख रख के उठा उठा के इसमें डालेंगे और आगे ट्रैक्टर, अगर इसको आगे पीछे मूव करना हो। यहाँ पे बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर भी तकरीबन 40 से ऊपर ही है, 42-43 होगा, और इस गर्मी में गंदम के साथ अभी तो असल में होगी कुश्ती। मैंने कभी काटा नहीं है, वकास ने बताया कि इसकी बहुत ज्यादा छोटी छोटी वो होती है, जो छोटी क्या होती है, कंड होती है, कंड होती है जो बड़ी चुभती है, तो कह रहे नहा लेंगे, पहली बार थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हैं, एडवेंचर लेते हैं, करेगा तू साथ? नहीं नहीं नहीं, सारा पूरा जिसम जो है टूटी टूटी हो गया। मैं ये बता रहा था कि असल में ट्रैक्टर जो है वो चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने देखा, मैंने इससे पहले नहीं देखा था, मशीनें वगैरह ये देखी थी लेकिन ये कैसे काटता ये नहीं पता था। तो ट्रैक्टर के पीछे जो जो घूमता है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो कनेक्ट हुआ है उस मशीन से जिसका नाम थ्रेशर है, जिसके अंदर से गंदम निकल रही है, उसके ऊपर से वो डाल रहे हैं सारा, ट्राली से लेके, ट्राली से उठा उठा के, ज़मीन से उठा के ट्राली पे रख रहे हैं, ट्राली से उठा उठा के उस थ्रेशर में डाल रहे हैं जो मशीन है, और वो टूटी अलग करी जा रही है और दाने अलग करी जा रही है, और आप देखा है कितनी दूर तक वो फेंक रही है सारा, और दाने अलग करके वो सारा सासर बोरी में डाल रहे हैं, और यही बोरियां जो है डायरेक्ट जाएंगी बाहर, मतलब जो बाहर से मुराद ये कि जो सेल होती है आगे से। ये सारे दाने हमने निकाले, तकरीबन 15 से 16 बोरियां, 15 बोरियां तो बड़ी हैं। हमने तो साइड पे खड़े हुए थे यहाँ पे, ये हम जो है, तो मैंने पप्पू भाई के दो बेटों ने और एक और भाई थे वो ऊपर से डाल रहे थे प्राली, आपने देखा था, तो ये सारा सामान जो है, सामान मतलब वही गंदम जो है ये आपको दिख रहा होगा सारा जो है, जितना भी 15 से 15.5 बोरियाँ हैं, और मज़ा आया, पहला एक्सपीरियंस था जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। इस तरह के काम करने में ना मज़ा आता है, जो हार्ड काम होते हैं ना फिजिकली करने में, तो वो एक अजीब सी फील आती है, तो बहुत मज़ा, हालांकि थका नहीं है मैं बिल्कुल, फर्स्ट टाइम किया, फुल गर्मी है दबा के, मई का महीना है, और फिर भी बहुत मज़ा आया। हम लोग निकला है पप्पू भाई के घर से, मोहम्मदा मंदिर से लेने आए, तो ये मेरी हालत जरा आप देखें कैसी हो रही है, ये देखिए सारी टूटी टूटी है, इस तरह इतना सही दिख नहीं रहा, तो ये कपड़े हैं, शर्ट ला मैं बना रहा हूँ, बड़ी टाइट हालत हुई यार, टाइट हालत को नहीं, हमें ड्रम कर रहे हैं कोई एटा मुश्किल, नहीं नहीं मुश्किल काम नहीं है, मुझे नहीं मुश्किल लगता, मैं कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा वो है ना जो टूटी है वो फुल बॉडी टूटी से भर रही है, अब पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, जैसा भी लगा, आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, अगर कोई सजेशन वो भी दे सकते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे हम आपको अगले ब्लॉग में, सबसे चलिए।